नमस्कार दोस्तों, स्वागत है MS27 प्रोडक्शन ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ जैनेश्वर मिस पार्क में ओपन हुए जुरासिक पार्क में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डायनासोर बना हुआ है और हम एंटर कर चुके हैं। अब हम दिखाते हैं आपको आगे इस पार्क में क्या कैसे बना हुआ है। स्टार्टिंग में इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, आज फिर भी भीड़ बहुत ही कम दिखाई दे रही है हमें। ये जो डायनासोर हमें फ्रंट में ही देखने को मिलता है, सामने एक छोटा डायनासोर, फिर यहाँ से हम करते हैं एंटर। तो अब वक्त है अंदर चलने का, तो आइए अब आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। आपका स्वागत करता हूँ जैनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहाँ जादू आपको कुछ नया सिखाएगा और हर पल आप खुशी देगा। तो ये है पेड़ बाबा जो कि हमारा स्वागत कर रहे हैं अंदर आने पे। अभी और भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी ध्यान से सुनिए पहले। अब जैनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहाँ जादू और मजा आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ चले इस रोमांचक सफर पर जहाँ हर कोना। यहाँ पे डायनासोर की हड्डियों को बनाने की कोशिश की गई है। ये सारे नकली हैं, पर इस पार्क को और भी एडवेंचरस बनाने के लिए इन्हें यहाँ बनाया गया है। और इसे आप सभी पहचानते होंगे, ये मैमथ को बनाया गया है यहाँ पे, बहुत ही रियलिस्टिक बनाया गया है और बहुत अच्छी लाइट इस पे पड़ रही थी, और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और इस कार्टून को आप सबने देखा ही होगा, इस कार्टून में भी मैमथ को दिखाया गया है। अगर हम इस स्कल्पचर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे चेन्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है और पूरा ही स्कल्पचर ये मेटल में है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यहाँ का टिकट प्राइस 120 रुपए है। ये जुरासिक पार्क जैनेश्वर मिस पार्क के अंदर बना हुआ है। बहुत ही हरी भरी जगह है ये, और फूलों के भी काफी पौधे हमें देखने को मिल रहे हैं, हर तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो अब हमारे सामने है एक और डायनासोर। इसे भी मेटल से ही बनाया गया है और यहाँ पे जितने भी हमें स्टील स्कल्पचर्स दिखते हैं वो सारे मेटल से ही बनाए गए हैं। और यहाँ की मूविंग स्कल्पचर्स को देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी एक और स्टील स्कल्पचर डायनासोर का हमारे सामने है, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है और मेटल में ही बना हुआ है। और मेटल में भी हम इसे स्क्रैप मेटल कहते हैं, वो मेटल जो कि वेस्ट मेटल होता है, जो अन्य किसी काम में यूज नहीं किया जा सकता, जिसे हम कबाड़ भी कह सकते हैं, उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है कि हैप्पीनेस पार्क में भी वेस्ट टू वंडर पार्क था वो, और वेस्ट
स्क्रैप मेटल की यूज़ से स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए थे ज़्यादातर। और आपने एक और वीडियो मेरे देखा होगा, यूपी दर्शन पार्क में भी सिर्फ वेस्ट का ही यूज़ किया गया है, जो भी रेप्लिकास वहाँ पे बनाए गए हैं इन सब ने। यहाँ पे एक डायनासोर बना हुआ है अपने बच्चों के साथ, जो कि अंडे से निकल रहे हैं। और इसी के पास है वो केव, यानी वो गुफा, जहाँ से गुजरने के बाद एडवेंचर असली शुरू होने वाला है। ये रही वो केव, और यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के लिए बच्चों के यहाँ पे डायनासोर के एक्स बनाए गए हैं। देखिए आपको बच्चा नजर आया होगा फोटो क्लिक करवाते हुए। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं केव के अंदर, और कुछ अलग ही फील हो रहा है इसके अंदर आने के बाद। यहाँ पर लाइट काफी कम है और कलरफुल लाइट्स यहाँ पे यूज की गई हैं। काफी लंबी केव है ये। और केव से निकलने के बाद हमें मिलेंगे मूविंग स्कल्पचर्स डायनासोर के। तो अब रोशनी दिख रही है, यानी कि गुफा खत्म होने वाली है। तो आ गया डायनासोर का मूविंग स्कल्पचर यहाँ पे हमारे सामने है। एक पलटी हुई कार इसके साथ में बनाई गई है, और पीछे डायनासोर गुस्से में दिख रहा है। तो यहाँ पे बना हुआ है एक मूविंग स्कल्पचर डायनासोर का। यहाँ पर खड़े होके ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई 3D मूवी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड इसके साथ मैच हो रहा है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। एक और स्कल्पचर हमारे सामने है, ये भी मेटल में बना हुआ है जैसा कि मैंने बताया। मोस्टली यहाँ पे स्टील स्कल्पचर्स जो हैं वो सारे मेटल में ही बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही घना है ये, जिससे हमें एक फॉरेस्ट का फील आ रहा है इसके अंदर, और जो इस जगह को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। जिसमें हम डायनासोर को देखते हैं तो और भी ज्यादा एडवेंचरस फील होता है। यहाँ भी डायनासोर का एक ग्रुप दिखाया गया है, और लगातार मैं बात कर रहा हूँ बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा जच रहा है इन सब पर। तो यहाँ पे हर तरफ हमें कई सारे डायनासोर देखने को मिल रहे हैं, कई प्रकार के डायनासोर। यहाँ पर इन सब का मीडियम स्क्रैप मेटल ही है, जैसा कि आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके हैं। लखनऊ में अब जो भी पार्क बनाए जा रहे हैं, उन सब में जो भी स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, उन सब का मीडियम स्क्रैप मेटल ही रखा जा रहा है। यहाँ पर डायनासोर के साथ कॉन्ग भी नजर आ रहा है। इधर लड़ाई का सीन दिखाया गया है कॉन्ग और डायनासोर के बीच में। काफी कुछ है इस पार्क के अंदर, और इसे हम पूरी तरह पैसा वसूल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अभी
क्योंकि मैं काफ़ी पहले आ गया था, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही, पर हर थोड़ी देर पर यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ये तो कमाल का है। तो यहाँ पे मौजूद है एक और डायनासोर, बहुत ही रियलिस्टिक यहाँ पे इन्हें बनाया गया है और इनकी आइज तक भी मूव कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सांसें ले रहे हैं। अब चलते हैं और आगे। सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मुझे यही वाला लगा। ध्यान से देखें तो ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है। अब तक ये वाला डायनासोर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। बहुत ही मजा आ गया अभी इस वाले डायनासोर को देखने के बाद मुझे, और अभी मैंने पूरा पार्क देखा भी नहीं है, पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि पैसा वसूल है ये पार्क। ये भी काफी मजेदार है, और खासकर इसके ये हिलते हुए गले पे पंख बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनाते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं बाकी और क्या क्या है। यहाँ पर एक पेड़ बनाया गया है मेटल के ही यूज से, तो इस वक्त हमारे सामने एक इंस्टॉलेशन आर्ट है जो कि मुझे लगता है इन्फ्लुएंस्ड है आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता जी के आर्टवर्क से, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा हुआ है। साइज बहुत ही बड़ा है इस ट्री का, इसके ऊपर एक पक्षी भी बैठा हुआ है। अब यहाँ जब इस पे लाइट पड़ रही तब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो ट्री बना हुआ है इसके ऊपर आप देखेंगे तो सिलेंडर्स लटके हुए हैं और ऐसी तमाम कई सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, तो ये भी बहुत ही आकर्षित कर रहा है यहाँ सभी को। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सामने एक पेंटिंग बनी हुई है हमारे, और इसके अंदर से निकलना है हमें। हम करीब एग्जिट तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ मौजूद है। इधर एक डायनासोर बीच बीच में आता है,
जो लोगों को एंटरटेन करता है, इसी की वजह से यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, सभी वेट कर रहे डायनासोर के आने का। तो मैं भी यहाँ पे इस भीड़ का हिस्सा बन गया हूँ, उस डायनासोर को देखने के इंतजार में। और आवाजें आ रही हैं कि आने वाला है, आने वाला है। और ये भी एक बहुत ही मजेदार चीज है इस पार्क की। तो आ गया है डायनासोर, ये देखिए। और काफी शोर शुरू हो गया इसके आने से ही। और ये धीरे धीरे हम लोग की तरफ ही आ रहा है। यहाँ से हम इसे करीब से देख सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर आदमी है, पर पोशाक एकदम रियलिस्टिक लग रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे देखकर। सबको पता है कि ये नकली है, पर फिर भी जैसे ही ये ऐसी हरकत करता है तब भी बड़े भी लोग पीछे हट जाते हैं। अब इसके जाने का वक्त हो गया है और अब फिर से एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बीच बीच में आता रहता है। यहाँ पर झरना दिखाया गया है, कई सारे पत्थर रखे गए हैं, ऊपर छोटे छोटे डायनासोर बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी बना है इसे पार करने के लिए। और ब्रिज पार करने के बाद देखिए हमें दिख रहा है इस पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर। तो हम आ गए हैं इस पार्क के सबसे बड़े डायनासोर के पास। ये भी मूवी है। बहुत ही विशाल बनाया गया है इसे। तो इसी के बाद अब यहाँ पे एग्जिट है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बने रहिए MS27 प्रोडक्शन ब्लॉग्स के साथ। हम फिर मिलेंगे फिर से किसी नई जगह पे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।